कोट बड़गढ़ गांव मुरका में प्रधान के मैदान में कूदे ब्रज किशोर ने कहा, सबसे पहले अधूरे काम को करूंगा पूरा। आज मीडिया के सामने प्रधान के मैदान में कूदे ब्रज किशोर जो मुरका प्रधान के लिए मैदान में उतरे हैं, उन्होंने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं और देख सकते हैं। ब्रज किशोर ने कहा है, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी, योगी सरकार जो भी योजना चलाएगी उसी योजना का लाभ लाभार्थियों को मिलेगा और जो भी अधूरे काम है उसको मैं पूरा करूंगा। यदि जनता मुझे मौका देती है, प्रधान बनाती है, तो मैं जनता के वादों पर खरा उतरूंगा। ब्रज किशोर ने यह भी कहा, प्रधान बनने पर सबसे पहले मैं जनता के सामने यही बात रखूंगा, मेरा दरवाजा हमेशा जनता के लिए खुला है, कभी भी कोई समस्या हो उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। अब देखना यह है कि जनता इनको प्रधान बनाती है या नहीं, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिर भी मीडिया के सामने जो ब्रज किशोर ने बोला है उससे साबित हो रहा है उनके अंदर प्रधान बनने का जज्बा है और वह जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जनता क्या चाहती है अब यह जनता के ऊपर निर्भर है। ब्रज किशोर मीडिया के सामने बोले कि मैं हमेशा जनता के लिए काम करूंगा। मीडिया को भी उन्होंने धन्यवाद दिया और बोला, मेरा इंटरव्यू और दिखाएं, यदि जनता को ऐसा लगता है मुझे प्रधान बनाना चाहिए, जनता के ऊपर निर्भर करता है। ब्रज किशोर किसी पर दबाव नहीं बना रहे हैं कि मुझे वोट दो, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने रखा है, यदि मुझे जनता प्रधान बनाती हो तो मैं जनता के वादों पर सदा खरा उतरूँगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ टीम में मौजूद रहे ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, मऊ रिपोर्टर दिनेश कुमार द्विवेदी, एरिया रिपोर्टर जितेंद्र, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। हाँ ब्रज किशोर जी, ये बताइए, हमने सुना है आप प्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, तो ये बताइए कि आप प्रधान के चुनाव में आगे क्या प्रक्रिया है आपकी? मेरा सबसे पहला लक्ष्य तो ये है कि पूर्व के अधूरे कार्यों को पूरा कराना जी, और सरकार की जो मंशा है कि पात्रों तक सरकार की स्कीम पहुँचे, योजनाएँ पहुँचे, उसको पात्रों तक पहुँचाना और गाँव का विकास। बताइए कि ये आप करेंगे कि अवाही नहीं रहेगा? नहीं, ये किया जाएगा, जो है साकार किया जाएगा। आप फिर आएंगे हमारे पास जो है कार्यकाल के समय, तब भी जो है यही बात रहेगी, जो है आप याद भी दिलाना कि उस दिन आपने क्या कहा था। अच्छा, फिर किशोर जी ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या सुविधा बनाएंगे आप? महिलाओं की रक्षा के लिए जो है, और जो योजनाओं महिलाओं के लिए है जो है उसको उन तक पहुँचाना जो है। गरीबों के लिए जो आवास की स्कीम है, राशन की स्कीम है, और जो भी सरकार द्वारा उनको प्रदान की जाएगी वो गरीबों तक पहुंचेगी। नहीं, पूर्व का कार्यकाल आप कर पूछिए, पूर्व प्रधान भी रहे हैं तो... अब जो है वक्त बताएगा कि जब इनको ग्राम पंचायत मुर्गा की जो जनता है जब उनको प्रधान चुन लेगी, तो जिन्होंने वादा किया है जनता के साथ उस पर ये कितना खर...